हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आरबीआई ने प्रपोज किया है कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक किया जाए। अब इससे क्या फायदे होंगे, किस तरह से क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने से आप पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई की हेल्प से, जैसे आप यूपीआई से अभी भी पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट कर सकते हैं, बट आपके अकाउंट में पैसा ना हो तो भी, ठीक है। तो इस बारे में जानेंगे किस तरह से और पहले कहाँ पे अलाउ किया जाएगा, क्या है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, पसंद आए तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाएं। आरबीआई ने प्रपोज किया है टू अलाउ द लिंकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स विथ यूपीआई। यूपीआई से हम जैसे पेमेंट करते हैं गूगल पे से या क्यूआर कोड स्कैन करके, हम पेटीएम से, गूगल पे से, भीम से, इन सभी से जैसे पेमेंट करते हो, अब वही जो हम पेमेंट, हमारे अकाउंट में पैसे हैं तो डेबिट कार्ड से ही हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे अगर ये चीज होती है तो ऑब्वियसली ये चीज हो रही है, तो हम अब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे विथ यूपीआई, ठीक है। तो बेसिकली यूपीआई से ही आपको, जैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं वैसे ही आप कर सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो भी, ठीक है। इंटीग्रेशन विल फर्स्ट बिगिन विद द इंडिजिनियस रुपे सीसी, ठीक है। तो जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसी से अभी कर सकते हैं, बाद में फिर ये बाकी पर भी, मतलब बाकी आपके क्रेडिट कार्ड हैं उन क्रेडिट कार्ड से भी आप कर पाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ये इससे कर पाएंगे आप, रुपे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। रुपे नेटवर्क और यूपीआई आर मैनेज बाय सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मैनेज किया जाता है सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ये, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रुपे नेटवर्क जो है और यूपीआई, ये दोनों सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है, एनपीसीआई। और यहाँ पे वीजा और मास्टर कार्ड जो दोनों हैं ये भी ये फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे जल्दी ही, ठीक है। अब यहाँ पे यूपीआई कुड ओनली बी लिंक्ड विथ डेबिट कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स। अभी तक ऐसा था, ठीक है, डेबिट कार्ड के साथ आप लिंक करते थे, आपके अकाउंट में जो पैसा होता था वो कट जाता था और यूपीआई की हेल्प से आप क्या कर देते थे, एक लिंक होती थी उससे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते थे और बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट जाता था, लेकिन अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकेंगे। अभी तक आप डेबिट कार्ड से कर सकते थे, करेंटली क्या है, पेटीएम और मोबिक्विक ये सब जो है वो अलाउ कर रहे हैं यूजर्स को कि वो अपने वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं यूजिंग क्रेडिट कार्ड। मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से तो हम वॉलेट में पैसा हमेशा से ही ऐड कर सकते थे, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड से भी वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड होता है जिसकी कुछ लिमिट होती है, उतना पैसा आप 1 month, 2 month, 1 month में आप, या 40 days, 30 days के बाद आपको पेमेंट करना होता है। जैसे कि आज आपने खर्च किया, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको उसको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली होता है और काफी सारे इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये यह है कि क्रेडिट कार्ड से आप वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हो, ओके। मतलब आपका फ्यूचर में कभी पैसा आने वाला है और आज आपको उसको खर्च करना है तो आप वो कर सकते हैं, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है क्रेडिट कार्ड से, बाद में क्रेडिट कार्ड का रुपया आपको पे करना होता है तो उस टाइम पर कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो पेटीएम एंड मोबिक्विक ऑल्सो लेवाई 2 to 4% चार्ज, ठीक है, ऑन एडिंग मनी फ्रॉम क्रेडिट कार्ड टू देयर वॉलेट्स। अगर आप क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा ऐड करते हो तो यहाँ पे ये इतना चार्ज लेते हैं, 2 to 4% चार्ज करते हैं, ठीक है। यूज बाय देम टू पे टू बैंक्स फॉर सीसी ट्रांजेक्शन, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए उनको पे करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली 2 से 4% चार्ज लिया जाता है, ओके। हाउएवर एडिंग मनी टू पे पेटीएम वॉलेट अलाउ यूजर्स टू पे ओनली एट पेटीएम क्यूआर। यहाँ पे जो पेटीएम वॉलेट में आप पैसा ऐड कर रहे हो वो पेटीएम क्यूआर कोड से आप स्कैन करके दूसरे को पे कर सकते हो, यहाँ पे आप कोई और यूपीआई क्यूआर से नहीं कर सकते, ठीक है, इंटरऑपरेबल नहीं है, ओके। जैसे कि आपने देखा होगा, आप एक क्यूआर कोड होता है वो सब पे चल जाता है, आपका पेटीएम पर भी चल जाएगा, गूगल पे भी चल जाएगा, भीम पर भी चल जाएगा, सारे के सारे। यहाँ पे आपने देखा हो कोई भी क्रेडिट कार्ड, कोई भी आपका सॉरी यूपीआई है तो किसी पर भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर पेटीएम वॉलेट में पैसा है वो पेटीएम क्यूआर कोड से ही आप दूसरे को पे कर सकते हैं, ठीक है। यूजर कैन नॉट पे यूजिंग पेटीएम वॉलेट ऑन भारत पे यूपीआई क्यूआर और गूगल पे यूपीआई क्यूआर, इनसे नहीं कर सकते, इन पर नहीं कर सकते, आप पेटीएम से पेटीएम पर ही कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने लिंक किया है क्रेडिट कार्ड को विथ यूपीआई, मीन्स यूजर कैन नाउ पे एट एनी यूपीआई क्यूआर, यहाँ पे किसी भी यूपीआई क्यूआर को स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट कार्ड का यूज भी बढ़ेगा, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, एज मैनी मर्चेंट्स डोंट हैव क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ
ठीक है, बहुत सारे मर्चेंट्स के पास पास क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ सेल फैसिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे बेसिकली ये टर्मिनल नहीं होता है, तो यहाँ पे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। और सेमी अर्बन एरिया में ज्यादा है, आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो इस तरह का नहीं है, वहां पे तो जनरली क्रेडिट कार्ड ऑप्शन होता है तो वो चल जाता है, लेकिन सेमी अर्बन एरिया में बात करें, रूरल एरिया में बात करें तो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव यूपीआई क्यूआर, ठीक है, उनमें से ज्यादातर के पास यूपीआई क्यूआर होता है, आजकल होने लगा है, सेमी अर्बन एरिया में भी होने लगा है, तो यूपीआई क्यूआर है तो आपका क्रेडिट कार्ड भी चल जाएगा, वहां पर भी चल जाएगा, सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में भी चल जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर हम बात करें अब इससे क्या फायदा होगा, तो कस्टमर्स को क्या फायदा है जो अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करने पे, ठीक है, ऑफर्स काफी ज्यादा होते हैं, काफी सारा डिस्काउंट मिलता है, वो रिवॉर्ड बेनिफिट यूज कर सकते हैं वो लोग, ठीक है, और यूपीआई से कर सकते हैं तो बहुत ईजी होगा, ईजी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, और सिक्योरिटी भी रहती है, सिक्योरिटी तो खैर क्रेडिट कार्ड में भी रहते हैं, तो बेसिकली ये है कि आपको इजीली आप आराम से जैसे यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके करते हो वैसे ही यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो फायदा होगा। दिस विल प्रोवाइड एडिशनल कन्वीनियंस टू द यूजर्स एंड एनहेंस द स्कोप ऑफ डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट भी बढ़ेगा, क्यों, आपके अकाउंट में आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा है तभी कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो आप फ्यूचर में आने वाले पैसे को भी स्पेंड कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी इजीली बहुत इजी हो जाएगा पेमेंट करना, ठीक है, और उन एरियाज में भी हो जाएगा जो मतलब जैसे अर्बन एरिया में तो होता ही है, सेमी अर्बन या रूरल एरिया में भी हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द लिंकेज ऑफ यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड कुड पॉसिबली रिजल्ट इन क्रेडिट कार्ड यूजेस इंक्रीज, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड का यूज काफी इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लोग ज्यादा यूज करेंगे इसको, एज यूपीआई एक्सेप्टेड बाय मैनी यूजर्स, ठीक है, क्योंकि यूपीआई ज्यादातर लोग चलाते हैं, ज्यादातर तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, ऑल्सो ओपन अप एवेन्यूज टू बिल्ड क्रेडिट ऑन यूपीआई थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है, फेयर द लास्ट फ्यू ईयर्स अ नंबर ऑफ स्टार्टअप ये सब जो है वो मर्ज हुए हैं, तो इसका काफी ज्यादा यूज बढ़ेगा, ठीक है, ऑल्सो बी अ पुश टू इंक्रीज अडॉप्शन बाय बैंकिंग ऑन यूपीआई इज लार्ज यूजर बेस, ठीक है, तो बेसिकली यूपीआई से ज्यादा पेमेंट हो पाएगा और वो बहुत ईजी होता है, ठीक है, कैश बहुत हैंडल नहीं करना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलेगा, ठीक है, ये फायदा है। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है, तो रेगुलेटरी इश्यूज है, अगर हम अभी की बात करें इट इज नाउ नॉट क्लियर हाउ टू, ये जो एमडीआर रेट होता है उसका नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता हमें, मर्चेंट डिस्काउंट रेट विल बी अप्लाई टू यूपीआई ट्रांजेक्शन डन थ्रू क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे यूपीआई के थ्रू तो आपकी मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होगी इसके बारे में भी नहीं पता है, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होती है, एक फी होती है जो जब भी कोई मर्चेंट होता है वो उस जैसे हमने किसी को भी पे किया है, ठीक है, किसी मर्चेंट को पे किया है तो मर्चेंट के ऊपर चार्ज किया जाता है बाय देयर इशुइंग बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम देयर कस्टमर, जैसे कि हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं वहां पे हम कुछ चीज परचेज करते हैं और हम उसको पे करते हैं, तो हम उसको जो पे करते हैं उस पर कुछ चार्ज लगाया जाता है, अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया जाता है तो कोई जो इशुइंग बैंक है वो इस पर चार्ज लगाता है क्योंकि इसने पेमेंट एक्सेप्ट किया है, तो इन पर थोड़ा सा चार्ज लगता है, 2 रुपए 4 रुपए जो भी लगता है, ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अगर कोई पेमेंट करता है तो उस पर लगता है, तो अब अगर जो यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं हम इस मर्चेंट डिस्काउंट रेट इसका क्या होगा, लगेगा नहीं लगेगा क्या होगा, ठीक है, ये सिंस जनवरी 2020 से लगता है यूपीआई, और रुपए जो है वो 0 MDR लेते हैं, ठीक है, 0 MDR क्यों लेते हैं, जनरली क्या करते हैं कि ज्यादा लोग यूज करें इसीलिए 0 MDR रख देते हैं, इसकी कॉस्ट 0 रख देते हैं, ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने लार्जली एक्सेप्टेंस की वजह से इन्होंने 0 MDR रख रखा है, तो आपने यूपीआई पे किया हो तो आपने देखा होगा आपकी पैसा नहीं लगता है, ठीक है, कोई ऐसा जैसे आपने किसी को 5000 पे किए तो 5000 ही उसके पास जाते हैं, ऐसा नहीं कि 2 रुपए कट जाए, ठीक है, तो वो नहीं होता। ओके, बेसिकली ये इसके चैलेंजेस हैं, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस किया, काफी कुछ अच्छा है इसमें, क्योंकि जो जब चीजें ऑनलाइन चल रही हैं तो पैसे का ट्रांजेक्शन आपको हाथ में पैसा बहुत ज्यादा कैरी नहीं करना पड़ता है, और सभी तरह से अगर क्रेडिट कार्ड भी उसमें लिंक हो जाता है तो बहुत जल्दी ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से उसी में थोड़ा सा बूस्ट ला रहे हैं हम। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।